दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ अली के अजमेर में 2 साल बीतने पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। आतंकी मोहम्मद अशरफ अजमेर में कब और कहां आकर ठहरा था, इस सवाल का जवाब मिला। जिला पुलिस की इंटेलिजेंस व दरगाह थाना पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। दरगाह के आसपास के क्षेत्र की हर गली में पुलिस जांच कर आरोपी आतंकी के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए लोगों को उसकी तस्वीर भी दिखाई जा रही है। वहीं इस मामले में अब अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और उप महापौर नीरज जैन ने भी सवाल खड़े किए हैं। जी भाई सर, अजमेर एक संवेदनशील शहर है और यहाँ पर लगातार अवैध पाकिस्तानी, अवैध बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्या मुस्लिम के यहाँ पर आने जाना वे रोक टोक के समाचार समय समय पर मिलते रहते हैं। इस नाते मेरी सरकार से मांग है के शहर के विशेष रूप से इंद्रकोट, दरगाह बाज़ार सहित जितने ऐसे स्थान हैं उन पर रहने वालों की पुलिस एक सर्वे करके एक जांच करे ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति यहाँ पर न रह सके। जिस प्रकार के उस पाकिस्तानी आतंकवादी के पकड़ने का समाचार आया तो 1.5 वर्ष वो अजमेर में रहा। अजमेर लगातार अपराधियों के आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है। घुसपैठियों की लगातार यहाँ से सूचनाएं आती रहती है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर आकर अवैध रूप से बस रहे हैं। खुफिया तंत्र नाकाम है, विफल है। तो इससे पता चलता है कि 2 साल तक एक आतंकवादी अजमेर में रह करके चला गया, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी खुफिया तंत्र के पास नहीं थी। डेविड हेडली, कोलमैन हेडली, जो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी था, वो अजमेर आता है, आके चला जाता है। एक आतंकवादी रमजान के महीने में 2 महीने यहाँ आकर के रह के चला जाता है। और इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के फर्जी यहाँ राशन कार्ड और उनके दस्तावेज यहाँ पे बन जाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई खुफिया तंत्र द्वारा और प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है। निश्चित रूप से अजमेर में जो अवैध रूप से जो घुसपैठियाँ यहाँ बसे हुए हैं,